नमस्कार दोस्तों, तो एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आयोजित होने वाले पीईटी परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के बारे में। आपके लिए ये परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या सिलेबस हैं और क्या जो है तैयारी के रणनीति होनी चाहिए, आज के लेक्चर में हम आप लोगों से जो है बात करने का जो प्रयास करेंगे और आपको एक ऐसा दिशा देने का प्रयास करेंगे जिससे कि आने वाले समय में आपकी तैयारी इसी पर जो निर्भर करेगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीईटी परीक्षा क्यों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले एक साल में जितनी भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आपके लिए जो आयोजित की जाएंगी, उन सभी वैकेंसीज तक पहुंचने का जो रास्ता है वो पीईटी परीक्षा से ही होकर के गुजरेगा। और पीईटी परीक्षा के अंतर्गत हाई स्कूल इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन को पास करने वाले स्टूडेंट के लेवल को जिसमें शामिल किया गया है, तो यह परीक्षा ही बहुत ही व्यापक होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में चाहे वो कृषि से पद हो, गन्ना से संबंधित पद हो, लोअर से संबंधित पद हो, सभी प्रकार के पदों के लिए जो भी भर्तियां आयोजित होंगी उनके लिए पीईटी परीक्षा को पास करना आवश्यक है। और सरकार इसके पूर्व में जो है, सरकार इसके पूर्व में विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए लगभग 2 लाख पदों की जो घोषणा कर चुकी है, जिसके माध्यम से जो है आप लोगों की भर्ती वहां पर होना है। तो ये पद आप लोगों के लिए और ये परीक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एग्जाम एक और दृष्टिकोण से भी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वर्तमान सरकार जो है पूर्व में लोगों को रोजगार देने के लिए जो है अपने घोषणा पत्र में जो इसका उल्लेख किया हुआ है। और आपको ये जानकारी होना चाहिए कि वर्तमान सरकार के लिए अब कार्यकाल 1 साल से भी कम समय में बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ये प्रयास करेगा कि जो भी समय 10 महीने या 8 महीने बचे हुए हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है भर्ती करने का प्रयास करे, ताकि अपने पूर्व में किए गए जो है घोषणा पत्र और वादों को वह जो है पूरा कर सके और आप लोगों को जो है वहां तक पहुंचा सके। तो आप यकीन मानिए कि यदि आप मेहनत और ईमानदारी में विश्वास करते हैं और मेहनत करके किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनुकूल समय है, जहां पर आप मेहनत करके एक रणनीति अपना करके अपने आप को सफल लोगों की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग केवल इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम पीईटी एग्जाम के बारे में ये क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करने के बाद हम पीईटी परीक्षा के जो है सिलेबस और अन्य रणनीतियों पर भी थोड़ा सा चर्चा करने का जो है यहाँ पर प्रयास करेंगे। पीईटी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप लोगों को 5 बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। 5 बिंदु आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो यह है कि सबसे पहले आपके पास जो है पाठ्यक्रम, और दूसरा है सामग्री, अध्ययन सामग्री। सामग्री से तात्पर्य अध्ययन सामग्री है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो इसमें सिलेबस, अभी हम सिलेबस पर भी चर्चा करने वाले हैं, इसके अंतर्गत जो भी सिलेबस रखे गए उससे संबंधित बुक्स को आपको अलग तरीके से, पीटी के लिए कोई स्पेशल किताबें नहीं खरीदनी है, बल्कि जो आप अभी तैयारी करने के लिए किताबें अपनी रखी हुई हैं, गणित से संबंधित है, हिंदी से संबंधित है, जीएस से संबंधित है, आपको उन्हीं किताबों को पढ़ना है, बशर्ते कि पढ़ने का तरीका रणनीति जो है थोड़ा सा हम अपने स्तर पर बताने का प्रयास करेंगे, अपने साथ में आपको ले चलने का प्रयास करेंगे। और आपका जो मेहनत अगर हमारे मेहनत के साथ मिलता है तो यकीन मानिए आने वाले समय में आप जो सफलता के स्वर्णाक्षरों में अपना नाम जरूर अंकित करवाएंगे। तो सामग्री आपके लिए जो होना जरूरी है। तीसरा यह है कि पूर्व वर्ष के हल। अब पूर्व वर्ष के हल पीटी की परीक्षाएं जो अगर इस इतने बड़े लेवल की अगर हम बात करें तो पहली बार आयोजित करवाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आपके पास बहुत ढेर सारे वर्षों के जो है प्रश्न पत्र नहीं होंगे, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अब तक जो भी प्रश्न पत्र जो है या जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनसे संबंधित प्रश्न पत्रों को हल करना है, क्योंकि जो भी कंडक्टिंग बॉडी होता है, जो भी एग्जामिनेशन करवाने वाली संस्था होती है, उसके पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों में पूछे गए सवालों की जो प्रवृत्तियां होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रश्न पत्रों में जो है फॉलो होती हैं, उनका अनुसरण किया जाता है, और वहां से आपको प्रश्नों के स्तर को, प्रश्नों की कठिनाई को, प्रश्नों की गहराई को समझने में जो है आपको मदद मिलेगी, इसलिए पूर्व वर्षों के हल प्रश्न पत्र। चौथा जो है आपका है मार्गदर्शन। किसी भी परीक्षा के लिए मार्गदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें कई बार ये भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और उसके माध्यम से हमें किस तरीके के सवालों को हल करना है। तो मार्गदर्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और पांचवा जो बिंदु जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टेस्ट। आप जो है पाठ्य सामग्री रखेंगे,
पाठ्यक्रम रखेंगे, फिर उसके बाद अध्ययन सामग्री का अध्ययन करेंगे, पूर्व वर्षों के हर प्रश्न पत्र करेंगे हमारे मार्गदर्शन में। इस पर जो है व्यवस्थित तरीके से जो है अभी हम आपको जो बताने वाले कि किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं, तो यहां पर मार्गदर्शन के अंतर्गत आपको वहां से जानकारी मिलेगी और इन सभी जो है बातों को जब आप कवर करेंगे तो उस पे आधारित आपको टेस्ट आयोजित होने वाले टेस्ट में सम्मिलित होना होगा, जिससे आप स्वमूल्यांकन कर पाएंगे कि तैयारी की स्थिति में हमारा क्या स्तर है, उसमें किन स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है, चाहे वो समय प्रबंधन का बात हो, चाहे आपकी तैयारी का मामला हो, चाहे आपकी हेजिटेशन का मामला हो, चाहे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस का मामला हो, ये सारी चीजें आपके टेस्ट से जो है निकल करके जो है सामने आती हैं। तो यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत तो आपके सिलेबस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इसमें जो है संविधान, यौन राज व्यवस्था, संविधान यौन राज व्यवस्था टॉपिक रखा गया है, भारतीय इतिहास इतिहास रखा हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन रखा गया है, भूगोल रखा गया है, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था से तात्पर्य यहां पे भारतीय अर्थव्यवस्था से है। और अभी अभी जो है आपके एक लेक्चर भी अपलोड किए गए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, यद्यपि वो व्यापक संदर्भों में हम यहाँ पर प्रारंभिक जो है अर्हता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था पर जो है लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे जो है आगे आने वाले समय में। यहाँ पर जो है सामान्य जागरूकता से तात्पर्य ऐसे जो है जानकारी की है जो हमेशा से जो तथ्यात्मक रूप से बनी हुई होती है और जो इन्हीं सभी विषयों से संबंधित होती है, लेकिन सामान्यतः जीएस में उससे हम लोग कवर नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे सामान्य जागरूकता का एक अलग जो है टॉपिक रख दिया गया है। और अगला है हिंदी। अब ये टॉपिक जो है अगर देखा जाए तो ये नॉन टेक्निकल से जो है जुड़े हुए हैं, ये नॉन टेक्निकल से जो है जुड़े हुए हैं और इसके बाद कुछ टेक्निकल से संबंधित है जिसमें जो है गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी, विज्ञान, ये टॉपिक आपके टेक्निकल जो है टेक्निकल एरिया से रखे गए हैं। और इसके साथ में समसामयिक जो है जानकारी की भी आपसे अपेक्षा की जाएगी कि देश दुनिया में वर्तमान समय में क्या हो रहा है और उससे आपकी जो है जानकारी भी जो है संबंधित होगी, उससे संबंधित आपके सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे जो समय समय पर आपको प्लेटफॉर्म पर नॉलेज उपलब्ध करवाया जाता रहेगा। तो ये आपकी जो है बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही कॉम्पैक्ट जो है सिलेबस आप लोगों के लिए बनाया गया है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इन सभी विषयों के बारे में जानकारी रखें और इससे जानकारी रख के आप इस परीक्षा को निश्चित तौर पर पास कर पाएंगे। अब हमारे यहाँ पर जो है री एजुकेशन आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, री एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से 60 दिवसीय गहन एवं व्यापक कक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ये री एजुकेशन एकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए प्रारंभ किया गया और घोषित किया गया जो एक कार्यक्रम है जो जुलाई में प्रारंभ होने वाला है। ये 60 दिवसीय गहन एवं व्यापक कक्षा कार्यक्रम आपको इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के विषयों पर जो है जानकारी को जो है मजबूत करेगा, जिससे परीक्षा को पास करना आप लोगों के लिए बेहद आसान होगा। और इस पर हमारा जो कार्यक्रम है वो ये है कि संविधान राज व्यवस्था पर हम लोग 10 टॉपिक, यहाँ पर 10 टॉपिक, स्वतंत्रता आंदोलन पर 5 टॉपिक, भारत के भूगोल पर 12 टॉपिक, अर्थव्यवस्था पर जो है 10 टॉपिक, सामान्य जागरूकता पर जो है 12 टॉपिक, हिंदी पर जो है 12 टॉपिक, गणित पे जो है 12 टॉपिक, रीजनिंग पे जो है 10 टॉपिक, अंग्रेजी में जो है 10 टॉपिक और विज्ञान पे जो है 12 टॉपिक। इस तरीके से जो हमारा एक कार्यक्रम बनाया गया है जिसके माध्यम से जो है आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाने का जो प्रयास किया जाएगा डेली जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को दो लेक्चर, एक टेक्निकल एरिया से एक नॉन टेक्निकल एरिया से जो है उपलब्ध करवाए जाएंगे। बीच बीच में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को जो सॉल्व करवाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आपकी जो है तैयारी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवालों के संदर्भ में भी जो है बन सके। तो उम्मीद करते हैं कि इसके माध्यम से आपको जरूर आज के इस लेक्चर के माध्यम से एक दिशा
प्राप्त हुई होगी। और चूंकि परीक्षा में सवालों को आपको ही हल करना है और हम आपको हल करने के योग्य बनाने के लिए जो है प्रयासरत हैं और यह कार्यक्रम आप लोगों को के लिए जो है प्रस्तुत करते हैं, तो इसको अगर आप ध्यान में रख करके अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को शारीरिक मानसिक रूप से तैयार करते हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। यहां पर मैं विवेकानंद की इस लाइनों को जो भी जो है यहां पे कोट करना चाहूंगा कि जागो उठो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। आप जो है चलने का प्रयास करो, दौड़ने का प्रयास करो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलने का प्रयास करो, चल नहीं सकते हो तो रेंगने का प्रयास करो, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, और रखता है जो हौसला आसमान को छू लेने की, उसे कभी भी डर नहीं होता है जमी पे गिर जाने की। तो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर के माध्यम से आपको एक दिशा मिली होगी, एक इंस्पिरेशन मिला होगा। आप अपने मेहनत में जो है आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और हमारे मेहनत के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपको मैं ये आश्वासन दिलाता हूं कि आने वाले समय में आप सफलता की उन लाइनों में अपना नाम लिखवाएंगे जहां पर आपको जो है विभिन्न प्रकार के प्रोफाइल पर काम करने का मौका मिलेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि इससे आपको कुछ ना कुछ दिशा जरूर मिलेगी। अगले लेक्चर में जल्द ही हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।